मैं बोलता हूँ कि कल्पना सोरेन कौन होती है, एक तरह से ये बिकने वाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब मेरा झारखंड मुक्ति मोर्चा में जगह नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। और राजबाल लोकसभा के अंतर्गत हम बोरियो विधायक हम भी हैं, बोरियो विधानसभा भी राजबाल लोकसभा में आता है। तो अगल बगल से चारों तरफ से फोन पर, ऐसे भी भेंट मुलाकात पर, फिर हमने क्षेत्र का दौरा किया कि यह स्थिति है। सारे लोगों का कहना है कि हम लोग विजय हांसदा को नहीं चाहते, 10 साल हम लोगों ने इनको एमपी बना के रखा, लेकिन दोबारा बूह हम लोगों ने इनको नहीं देखा। हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैसे मान सम्मान बचेगा, वहां का झंडा कैसे बुलंद लहराएगा, मैं इसकी चिंता करता था। और मैं कल चला घर से कि जाकर के हम आज के दिन में हम जाकर के सीएम से बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। ट्रेन में ही हमको पता चला, किसी मीडिया वाले ने कहा कि विज्ञप्ति जारी हो गया। देखे हम तो, हम चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बचा हुआ रहे। तो भाई जब हम चाह रहे हैं तो फिर हमारी बात को क्यों अनसुनी किया जा रहा है? बहुत लोग कहते हैं कि आप कल्पना सोरेन से क्यों नहीं मिले। मैं बोलता हूं कि कल्पना सोरेन कौन होती है, भले वहां पर बसंत सोरेन से मिलना होता तो हम मिले भी, और भी मिलना होता था मिलते। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के बाद हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद मौका मिलना चाहिए था बसंत सोरेन को। और मैं पहले भी बोला था अगर आज बसंत सोरेन हो कहीं बुलाएंगे तो वहां मैं जाऊंगा। तो आज ये झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरह से लोगों ने इसको अभी बंधक के रूप में रखा है, एक तरह से ये बिकने वाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा। हमको लोग बोलता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो, मैं बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन्होंने मिलकर सरकार बनाया एजेंट वो है कि हम हैं। विगत चुनाव में राजमहल विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने एमटी राजा को टिकट देने से वंचित कर दिया, जो जीतने वाला आदमी था। तो जहां सच्चा है वहां तो हम तो बोलते ही और बोलेंगे। तो आज जब सूची निकल गया और जो क्षेत्र भ्रमण के क्रम में लोगों से मिलते जुलते गए, परामर्श लेते गए, लोगों के कहने के मुताबिक अब मेरा झारखंड मुक्ति मोर्चा में जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निर्दलीय जीतूंगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही बचाने का हम काम करेंगे। क्योंकि यही झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड प्रदेश में जितने लोग हैं, जिसके लिए यह राज्य अलग हुआ है, वो बेचारे कहां जाएंगे। तो आज मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, पूरे राजमहल लोकसभा सीट या पूरे झारखंड के लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, खास करके राजभवन लोकसभा सीट के सारे हमारे जितने लोग हैं जो विजय हस्ता पर से आक्रोशित हैं, देखना नहीं चाहते हैं। आज इनको एक जगह, बहुत जगह उन्होंने कहा कि हम लोगों ने एमपी बना के भेजा था, बट अभी ये अभी बहुत बड़ा ठेकेदार बन के रह गया, आज बड़ा ठेकेदार के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। तो आज मैं आपके माध्यम से जनता को ये मैसेज भेजवाना चाहता हूं कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा और अंजाम क्या होगा, बट मेरा पूरा उम्मीद है कि लोकसभा सीट हम जीतेंगे। और ज्यादा नहीं, लेकिन इतना जरूर विश्वास रखिए आप लोग भी कि हमारे पास क्या है नहीं है आप सारे लोग जानते हैं, कि क्षेत्र के लोग जानते हैं, लेकिन हम यहाँ के लोगों को छोड़ नहीं सकते। आज यहाँ के नौजवानों को छोड़ नहीं सकते जो डिग्री हासिल करके दर दर ठोकरें खा रहे हैं,
मैं उसको छोड़ नहीं सकता। किस तरीके उसके गार्जियन उनको पढ़ाया लिखाया, आज नौकरी के लिए वो लोग तबाह तबाह, नौकरी के लिए लोग घूम रहे हैं झोला छाप डिग्री लेकर के, इनको मैं नहीं छोड़ सकता। और यहाँ के जल जंगल जमीन को मैं नहीं छोड़ सकता जिसके लिए राज अलग हुआ। इसलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी चाहे जो भी हो, लेकिन हमको पूरा भरोसा है राजमहल लोकसभा सीट से हमको लोग चाह रहे हैं, और उसी के कहने के मुताबिक मैंने कमर कस लिया है और मैं चुनाव में निर्दलीय उतर जाऊंगा। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।